हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा कि सिंगल फेस जो हमारा पानी वाला पंप है, ये 1.5 HP का मोटर है, तो इसके जो है ये 3 तार आती है, कौन सी वायर कौन सी है और कैसे कनेक्शन होते हैं कैपेसिटर के, ये बताने वाले हैं सोनू उस्ताद हमारे। चल सोनू भैया बताना कैसे कौन सा तार क्या है। ये ब्लू वायर होती है जो कि कॉपर। अच्छा, तो राइटिंग का जोड़ देना है। अच्छा, डायरेक्ट फेस देना है इसको। ठीक है, इसको फेस देना है। ये दो पानी की तार है। ठीक है, ये दोनों इसमें जोड़ देनी है, एक इसमें जोड़नी है। ये कौन कौन सी होती हैं, ये और ये रनिंग के स्टार्टिंग? एक रनिंग स्टार्टिंग इसमें होती है, ये कॉमन। अच्छा, एक ये दो अलग अलग होती हैं, तो ठीक है, एक एक दोनों को जोड़ देनी है। ठीक है, हाँ। इसके बाद क्या करना है कि ये वाली तार वायर इसमें जोड़नी है, जो उल्टी चलेगी। हाँ, तो चेंज कर देनी है। चेंज कर देनी है, फिर इधर लगा देनी। ठीक है, ओके ओके। हाँ, तो इसको अब चालू करके देखते हैं, धमाका ना हो जाए। थोड़ी केयरफुल वर्क करना है, अपने ध्यान रखना है कि कैपेसिटर का भी ध्यान रखना है। कितने का सुन भैया, 1.5 HP को कौन सा कैपेसिटर लगता है? ये देख सकते हो, कनेक्शन बिल्कुल ओके है, मोटर ऑन हो चुकी है। तो 1.5 HP को कितने का, 1.5 का कैपेसिटर? ठीक है, ओके। आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।